हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSI के एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस तैयारी के क्रम में हम आज ये जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसमें हम लोग करेंगे भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये वीडियो हम लोग घटनाचक्र से करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि 1990 से लेकर के अभी तक, रिसेंटली जो 2019 तक का ही है, लेकिन अभी तक के सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये इसको कर लेने के बाद में आपको एक एक अनुमान लग जाता है कि कैसे प्रश्न को PCS या IAS लेवल की एग्ज़ाम में या PCS के लेवल की एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे ये अनुमान लग जाता है और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसको देख लेने के बाद में पॉलिटी के लिए कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कम टाइम के लिए ये सही है, ठीक है, और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप एम लक्ष्मीकांत या फिर अदर सोर्सेस भी हैं उसको भी पढ़ सकते हैं और तब इसको आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर कम टाइम है, जैसे कि अभी 67th BPSC का फिर से डेट अनाउंस हुआ है 28 अगस्त को, मे भी 28 अगस्त, जैसे और भी यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है, लेकिन अगस्त के लास्ट वीक में ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो वो हो गया, या फिर आपको UP PCS का एग्ज़ाम हो गया, या फिर MP PCS या CG PCS या कोई भी स्टेट PCS हो, या फिर आपको UPSC भी हो, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये पार्ट वाइज वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो लोग वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको बुक पढ़ने का फुर्सत नहीं है, वो लोग बस इसको कान में हेडफोन या ईयरफोन लगा करके इसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में आप बुक लेकर के ज़्यादा नहीं जा सकते, उस समय ये ऐसे वीडियोज आपको फ़ायदे पहुँचाते हैं और फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे और फिर इसी क्रम में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, ठीक है। ये रिवीजन नोट्स टाइप का है तो इसमें हम टोटल चीज़ों को करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर मिलेगा वो भारत का संवैधानिक विकास, जैसे कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा चैप्टर जो है वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो भी थे, जैसे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके बाद से 1935, 1813 का चार्टर्ड अकाउंट चार्टर एक्ट था, 1833 का भी था, तो वैसे उन सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वो कैसे संविधान हमारा बना, संविधान सभा और उसके प्रमुख समितियाँ, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे संविधान का स्रोत, कि संविधान में कौन कौन से भाग कहाँ से लिए गए हैं। फिर देखेंगे संविधान में अनुच्छेद, फिर अनुसूचियाँ देखेंगे, फिर यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, उद्देशिका देखेंगे, शासन प्रणाली देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भी देखेंगे, नागरिकता भी देख लेंगे। उसके बाद से फिर मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि मूल कर्तव्य है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और CAG। फिर वरीयता अनुक्रम, ये एग्जाम में पूछा जाता है वरीयता अनुक्रम। उसके बाद से फिर देखेंगे हम यहाँ पे संसद का, यहाँ पे 4 भागों में संसद को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर संसदीय समितियाँ देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग पढ़ेंगे, फिर योजना आयोग या फिर नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदल आगे चल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से फिर देखेंगे लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, फिर देखेंगे अस्थायी विशेष प्रावधान, फिर चुनाव आयोग देखेंगे, फिर राजनीतिक दल देखेंगे, संविधान संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, और फिर देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और सबसे और जो ये हम लोगों का 42 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे प्रश्न विविधा, मतलब कि मिसलेनियस जो प्रश्न होंगे ना उसको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, तो
यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। घटना चक्र का ये बुक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन का पहला चैप्टर ये है कि भारत का संवैधानिक विकास। इसमें देखेंगे कि संविधान का, जो भारतीय संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो विकास जो संवैधानिक विकास, भारत का संविधान का संवैधानिक जो विकास है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो भी था, जैसे 1773 से लेकर के 1853 तक, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम होते थे उसके अंतर्गत देखेंगे, और दो भागों में, और दूसरा भाग ये है कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, और ब्रिटिश जो ताज वहाँ से डायरेक्ट जो क्राउन का जो शासन हो गया था, जैसे 1857 की जो क्रांति हो गई उसके बाद से फिर यहाँ का टोटल जो इंडिया में जो भी, जैसे कि कंपनी यहाँ पे शासन करती थी तो कंपनी के हाथों से उस चीज़ को छीन लिया गया और डायरेक्ट सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। तो उसको देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जो भी, जैसे 1858 से लेकर के 1947 तक। तो चलिए पहला जो हम लोग देखते हैं वो कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं। तो पहला पॉइंट यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया था बंगाल के गवर्नर को, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया था, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस कैलेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी, ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पे क्या किया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो COD होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी बॉडी थी, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण वो स्थापित किया जाता था। फिर आया उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो इस एक्ट के तहत जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का क्या किया गया कि अलग अलग कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक अलग और व्यापारिक कार्य अलग, ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया कि निदेशक मंडल को, जो डायरेक्टर का जो हेड होता था, ठीक है, वो उसको क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, यानी कि पहले पहले BOD था ना, सॉरी COD था ना, उसके बाद से अब क्या किया गया, BOC कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित कर गठन कर दिया गया। फिर उसके बाद से आता है 1786 का अधिनियम। इसके अनुसार क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जो होते थे, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की यहाँ पे शक्तियाँ दे दी गई, ये कब, 1786 के अंतर्गत, ठीक है। और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्नवालिस जो थे उनको ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि 1793 के चार्टर्ड एक्ट, ये जो एक्ट था ना, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। जो भी कंपनी के जो अधिकार थे ना यहाँ पे, व्यापारिक और राजनीतिक जो भी अधिकार थे, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है 1793 के बाद 1813 आता है, ठीक है, 20 वर्ष के बाद। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, यानी कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। तो ये प्रश्न भी आता है चीन के साथ और तथा वो चीन के साथ तथा जो चाय का जो व्यापार था उस पर एक अधिकार बना रहा, बाकी व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कब, 1813 के एक्ट के तहत। ये जब एक्ट वो मतलब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से फिर 1833 में एक और एक्ट आता है,
इस एक्ट में क्या किया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके बाद से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक जो कार्य थे उसको समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि एक चौथा सदस्य जो है वो सम्मिलित कर दिया गया। सर्वप्रथम जो मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, उसको कानूनी सदस्य के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार जो उसको प्रदान कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया कि नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद से 1833 का जो एक्ट था उसके बाद आता है 1853 का एक्ट। और इस एक्ट, ये जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब कि पहले जो विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति कोई एक ही लोग हैंडल करते थे, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? तो 1853 एक्ट के तहत। ठीक है, और उसके बाद से फिर बना विधि निर्माण हेतु जो मतलब लॉ बनाने के लिए क्या हुआ कि भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। मतलब कि जो उसके काबिल होगा वही सिविल सर्विस को, सिविल सेवक की जो एक भर्ती है उसमें वो चयन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ठीक है, तो 1773 एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा इम्पे जो थे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, सर एलिजा इम्पे जो थे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान करना, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद जो है वो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। ठीक है, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी जो कलकत्ता में की गई थी नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति थी वो मिली थी कब? वो मिल गई थी आपको चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिया गया कि नियामक अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम जो था वो 1784 में था नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो था इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और फिर चार्टर अधिनियम 1833 जो था गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे, किन या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की, यहाँ पे बात की जा रही है अंग्रेजी शिक्षा की नींव। पहला ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, या फिर इसका मतलब स्कूट का प्रयोग करना है, या IAS प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तहत क्या किया गया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। एक तो 1813 में चार्टर एक्ट के तहत भी 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान था, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत भी था, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद जो भी विवाद होते थे ना उसके तहत भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी। कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये यानी कि देने की ग्रांट की गई थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिस बेंटिक, जो 1828 से 1835 तक रहे, उनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और भारत में जो आंग्ल जो एंग्लिस्ट्स जो थे वो शिक्षा के समर्थकों के नेता जो थे वो ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच यानी कि ओरिएंटल लिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ऑप्शन है कि चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मतलब मिलने लगा। ठीक है, प्रशासन में चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ये देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम, ठीक है, अब ब्रिटिश शासन जो डायरेक्ट 1858 में जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से जो क्राउन के हाथों में शासन चला गया, ठीक है, तब यहाँ पे कौन कौन से अधिनियम बने थे उसके वो अधिनियम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला एक अधिनियम बना था 1858 का अधिनियम, जिसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं 1858। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का जो पदनाम था ना उसको बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दे, जो BOC था और उसके बाद से फिर BOD था उस दोनों को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, और उसमें जिसमें क्या होता था कि भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, भारत सचिव, ठीक है, भारत के राज्य सचिव और एक वायसराय। भारत परिषद अधिनियम फिर आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, तो 1858 के बाद 1861 आया, इसके द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि भारतीय जो प्रतिनिधियों को शामिल करने की इसमें शुरुआत की गई और इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां दे करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना, ठीक है, अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, वायसराय को आपातकाल में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो परिषद से मिल करके बैठक करे और फिर कोई निर्णय ले, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आपातकाल में क्या करेगा कि वो बिना किसी संस्तुति के वो अध्यादेश को जारी कर सकता था। फिर आया 1800 भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत क्या किया गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय जो भी विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पे बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, परंतु मतदान का इसमें अधिकार नहीं था। ठीक है,
निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर आता है उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, और इस अधिनियम को हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसी में क्या किया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान कर दिया गया। फिर उसके बाद से आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था, और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाई गई और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, और इस अधिनियम में एक और ये किया गया था, सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया, ठीक है। उसके बाद से द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल तथा समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ये जो द्विसदनीय जो केंद्रीय विधानमंडल जो प्रावधान किया गया था, ये समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित था तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक और आयोग का भी गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में जो प्रेसिडेंसी होता था उसमें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में जो था वो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया, और इसी अधिनियम के तहत 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत क्या किया गया कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को जो वही म्यांमार बर्मा जो है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत ही। और उसके बाद से प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 फिर आया, 1935 के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया, और इसमें वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को क्या किया गया, समाप्त कर दिया। अभी से हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं और आया हुआ है। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो बजट पे बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई है। कैसे, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो ये 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई थी, लेकिन आप उसमें मतदान नहीं कर सकते थे, और इसी अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका जो मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये गलत है, भारत सरकार अधिनियम 1909 ये भी गलत है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं थे, ये सही होगा, क्योंकि 1935 के तहत ही मतलब वो संघीय जो न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है।
तो और कब की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार 1935 के अंतर्गत, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये एक अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे उनका नाम था न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर, ठीक है। तो वही भारत 1935 के तहत ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और उसका एग्जैक्ट डेट होगा 1 अक्टूबर 1937, ठीक। और अधिनियम पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947? तो ये किस वर्ष पूछ रहा है? तो यहाँ पे किस वर्ष पूछ रहा है तो ये 1937 होगा, लेकिन किस अधिनियम के तहत पूछेगा तो 1935 यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे एक अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कैसे? तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 के तहत अंतर्गत केंद्र में जो द्वैध शासन था ना उसको स्थापना किया गया, ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो आपको 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था सुधार अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन समाप्त कब कर दिया गया? तो 1935 के तहत किया गया। यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के तहत द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व था और एक ट्रांसफर था, ठीक है, एक हस्तांतरित था और एक आरक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऑप्शन होगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगर यहाँ पे प्रांत पूछे तो प्रांत का क्या होगा? प्रांत 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके तहत किया गया, और प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब किया गया? तो वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, या केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण? तो इसका आंसर होगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। कैसे? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसके उद्देश्य से भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव जो होते थे वो एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भारत सचिव का जो पोस्ट आया वो 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत आया था, जिसमें एक भारत का वायसराय होगा और एक भारत का सचिव होगा, ठीक है। और इसी अधिनियम जो 1919 का जो अधिनियम था, इसमें क्या किया गया कि राज्यों में जो था वो द्वैध शासन एक ड्यूअल गवर्नमेंट की यहाँ पे स्थापना की गई, और ऐसे प्रत्येक राज्यों में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक था आरक्षित यानी कि रिजर्व था और एक था ट्रांसपेरेंट था यानी कि हस्तांतरित था। और इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो ये 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, ठीक है। और लेकिन 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाइयों में एंग्लो इंडियनों के लिए भी ये विस्तारित कर दिया गया था। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया था वो 1919 के अधिनियम में किया गया था, और केवल मुसलमानों के लिए अगर पूछा जाए तो ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें किया गया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 था उसमें सभी के लिए सांप्रदायिक रूप से जो पृथक चुनाव का व्यवस्था किया गया था, जिसमें सिख थे, यूरोपीय थे, भारतीय, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे,
उसमें वो विस्तारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय विधान पालिका जो थी प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, तो ये 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो ये भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। और कैसे बनाई गई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें एक ऊपरी सदन जिसको राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और तथा 26 जो होते थे मनोनीत होते थे। निचला सदन जिसको केंद्रीय विधानसभा यानी कि CLA उसको बोला जाता था, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्षों के लिए होता था। इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे कि मनोनीत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका एक्ट लेकर के आया, 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट। तो द्विसदनीय विधायिका लेकर के आया था, 1919 का एक्ट लेकर के आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि विदाउट किसी मतलब बिना किसी कंसल्टेंसी के भी वो राष्ट्र मतलब अध्यादेश उस समय जारी करने का 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि विदाउट कंसल्टेंसी वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है, 1926, 1937, 1945। तो ये 1926 और 1945 जो है उसके द्वारा निर्वाचन जो केंद्रीय विधानसभा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के 1919 के तहत हुआ है। वर्ष 1926 तथा वर्ष 1945 वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, तो 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये होगा कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त किया गया था। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह जो अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ISP 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का जो इसमें विभाजन कर दिया गया, ठीक है। कैसे, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था और तथा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से
अब एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों में नहीं पे हम लोग नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। ये आरएएस जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आरटीएस जो प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन ये है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकियाओं को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, या फिर इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इनमें से नहीं जो था ना वो था अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ठीक है? बाकी ये तीनों जो है वो ये ए सी और डी तीनों जो है 1935 के मुख्य विशेषताओं में से ये था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ठीक है? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी? ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ जो दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में और आईएएस प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये होगा देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है? 1935 में तो संविधान नहीं लिखा गया था, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ये देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कैसे? तो ये भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है वो 1935 का अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। सबसे पहले पहला है संघात्मक सरकार, और उसके बाद से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि, ठीक है? तो ये आठ जो प्रावधान है 1935 के मुख्य उपबंध है, ठीक है? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य उपबंध है, जो हमारे भारतीय संविधान में यहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम को फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हम लेकर के आएंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी बीपीएससी या बीएचएससी जो सीजीएल का पेपर होने वाला है, या फिर कोई भी जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, जो भी जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, उससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, जीएसआईक्यू एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं शीघ्र ही और नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया।